एक आम मीटिंग में चाहता हूँ कि सभी लोग जितने भी हमारे पार्षद होते हैं यहाँ पे, हमारी बहनें भाई जो भी, इन सब को मिल कर कुछ बात करें, क्योंकि अब इतना अच्छा अवसर आ रहा है यहाँ पे माँ शूलिनी का मेला मनाया जाएगा, तो सब इसको अच्छी तरह से मनाएं, मिलजुल के मनाएं, एक दूसरे से कोई समस्याएं उसको पूछ के करें, क्योंकि ये लोग भी यहाँ की बहुत इम्पोर्टेंट प्रशासनिक कड़ी के साथ साथ शासन व्यवस्था में आते हैं, इसलिए मैं चाह रहा था कि इनको मिल लूँ। और ये जो इवेंट होने जा रही है, इसमें सभी लोगों का योगदान है, बच्चों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, और बाहर से आने वाले खास आगंतुक है, उन लोगों ने देखना है। इसलिए मैं चाह रहा था कि जो हमारे पार्षदगण हैं यहाँ पे, हमारे माननीय चुने हुए, उनका भी अहम रोल इसमें, जस्ट टू ब्रीफ देम ऑन दैट, और साथ में मीटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि कई दिन हो गए मैं उनको सबको नहीं मिल पाया। सर, राष्ट्रीय स्तर का कब तक हो जाएगा ये मेरा प्रोसेस, कहाँ तक पहुँच सकते? राष्ट्रीय स्तर का शून्य मिला सर, शून्य मिला। ओ, ये तो सचमुच जो ठीक कहा आपने, मेरे को लगता है कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा इसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना होना चाहिए, और शायद अगली बाद को देखें तो राष्ट्रीय स्तर ही बन जाए। सर, अस्पतालों में डॉक्टर दो दिन की छुट्टी लेके जाते और तीन तीन महीने तक गायब रहते हैं। जिला के कई अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे डॉक्टर आते नहीं हैं और उनकी हाजिरी लगी रहती, इस पर क्या कार्रवाई की गई? कंडा घाट में भी एक शिशु रोग विशेषज्ञ का नाम लाता। अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक केस मेरी नज़र में आया तो ये तो एक अनुशासनहीनता का उदाहरण है, तो हमेशा सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसी कोई बात मेरी नज़र में तो नहीं आई, पर अगर कोई बात ऐसी होगी तो बाकायदा डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएंगे। सर, चंबा में जो हत्याकांड हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? जातिवाद, देखिए ये तो अनफॉर्चुनेट कि हम आज भी इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। अब हत्याकांड होते हैं, न जाने मानसिक स्थिति क्या होती है, या हम इतना संस्कार अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि कभी भी इस प्रकार का कोई भी हत्या करना किसी भी मानवाधिकार के बीच किसी भी मानव के लिए नहीं दिया गया ये, परंतु जो कोई करता है दंड तो खैर मिलता है, परंतु ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ना संस्कृति के विपरीत भी है और मानवता के विपरीत भी है, एकदम निंदनीय होता है। ये एक आम मीटिंग में चाहता हूँ कि सभी लोग जितने भी हमारे पार्षद होते हैं यहाँ पे, हमारी बहनें भाई जो भी, इन सब को मिल कर कुछ बात करें, क्योंकि अब इतना अच्छा अवसर आ रहा है यहाँ पे माँ शूलिनी का मेला मनाया जाएगा, तो सब इसको अच्छी तरह से मनाएं, मिलजुल के मनाएं, एक दूसरे से कोई समस्याएं उसको पूछ के करें, क्योंकि ये लोग भी यहाँ की बहुत इम्पोर्टेंट प्रशासनिक कड़ी के साथ साथ शासन व्यवस्था में आते हैं, इसलिए मैं चाह रहा था कि इनको मिल लूँ। और ये जो इवेंट होने जा रही है, इसमें सभी लोगों का योगदान है, बच्चों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, और बाहर से आने वाले खास आगंतुक है, उन लोगों ने देखना है। इसलिए मैं चाह रहा था कि जो हमारे पार्षदगण हैं यहाँ पे, हमारे माननीय चुने हुए, उनका भी अहम रोल इसमें, जस्ट टू ब्रीफ देम ऑन दैट, और साथ में मीटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि कई दिन हो गए मैं उनको सबको नहीं मिल पाया। नेशन स्पीक्स, अब बोलेगा हिंदुस्तान।